मौसम की तरह, धड़कन की तरह यार बदल न जा। ओ मेरे यार बदल न जाना मौसम की, क्या जानो मेरे। वेलकम टू अपने बाइक का व्लॉग, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो गाइज आज की जो फिल्म शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूँ वो भी आपको कनक बाग जयपुर से दिखाने वाला हूँ गाइज, जो कि सिंध कैंप से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है और ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तलाश मूवी, जो कि 2003 के अंदर आई थी, जो कि इस मूवी में वो हमें अक्षय कुमार और करीना कपूर में हम देखने को मिले थे। तो गाइज इस मूवी का एक सुपरहिट गाना था मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। तो गाइज आज की इस वीडियो में हो इस गाने की हो लगभग 50% शूट हो यहाँ पे कनक बाग के अंदर ही हुआ है इस गाने का। तो गाइस आज की इस वीडियो में उस गाने के सीन देखने वाले हैं, किस प्रकार से वो इस कनक बाग के अंदर उस गाने के सीन लिए हुए हैं। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस मेहनत के लिए एक लाइक, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस अभी टिकट ले लिए और फाइनली कनक बाग के अंदर चलते हैं। तो ये कनक बाग का एंट्रेंस है, अभी अंदर चलते हैं। वाह गाइस ये देखो कनक बाग के अंदर का नज़ारा, फाउंटेन भी अभी गाइस चालू है और ये काफ़ी बड़ा गार्डन है, बहुत शांति हो गई जी। ये पहाड़ों के बीच में स्थित होने की वजह से बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है यहाँ का। और यहाँ पे गई 19 के दशक की काफ़ी मूवी होगी यहाँ पे और शूटिंग हो चुकी है। हो गए जी यहाँ पे काफ़ी सारी मूवी शूटिंग हुई है, उनके सारे वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। तो गई जी है कनक बाग के अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से। तो गए अभी हो मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह उस गाने की शूटिंग देखते हैं। तो गए गाने का एक सीन है ना वो यहाँ से दिखाया जाता है, जो आप ये देख रहे हो ना अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे अक्षय कुमार सर यहाँ पे चलते रहते हैं और उनका वो सॉन्ग चलता रहता है मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। तो वो यहाँ पे चलते रहते हैं और करीना कपूर ना परफेक्ट वो यहाँ पे डांस करती रहती है और पीछे के फाउंटेन भी चालू रहते हैं। और एक सीन में जो आप ये कोई बीच वाली गुंबज दिख रही है ना वो गुंबज भी अपने को देखने को मिलती है। तो एक सीन यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें अक्षय कुमार वो बेसिकली चलते रहते हैं और करीना कपूर यहाँ पे डांस करती रहती है। तो एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें आप ये पिलर का नज़ारा और ये पीछे बीच में गुंबज दिख रही है आपको गार्डन के, वो भी आप देख सकते हो। तो इस गाने का एक सीन वो यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें अक्षय कुमार और करीना कपूर मैम यहाँ पर डांस करते रहते हैं। और गए जी है देखो कनक बाग का पूरा नज़ारा यहीं पे हो। गए उस गाने को सीन शूट किए हुए थे, कुछ सीन वो सिटी प्लेस और जैकेट फोर्ट से शूट किए गए। तो अभी गए फाइनली वो अपन जैकेट फोर्ट चलते हैं, वहाँ से देखते हैं इस गाने की किस प्रकार से वो सीन शूट हुए हैं। तो गए अभी मैं पहुँच चुका हूँ जैकेट किले के ऊपर और बेसिकली जैकेट किला होगा इस कनक घाटी जहाँ से मैं अभी आया हूँ वहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और नीचे जो आप देख रहे हो वो आमेर महल है बेसिकली, और आमेर महल से 2 किलोमीटर की चढ़ाई है और यहाँ पे वो जैकेट किला है। तो आप जैकेट किले के ऊपर से वो नज़ारा देख सकते हो कुछ इस प्रकार का, जो आपको पानी भरा हुआ दिख रहा हो बेसिकली गए सागर लेक और ये पहाड़ों का सीन उसके चारों ओर। ये यहाँ पे बॉर्डर सा बना हुआ है, दीवार है पूरी ये 12 किलोमीटर की, और नीचे अपने को आमेर किला और आमेर शहर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है गाइज। तो अभी गाइज गाने के सीन देखते हैं। तो गाइज जब गाना स्टार्ट होता है ना तो एक सीन वो यहाँ से दिखाया जाता है, जो आप ये हॉल देख रहे हो और सामने आपको एक गार्डन दिखाई दे रहा है और आपको ये 3 दरवाजे से बने हुए दिख रहे हो ना, इसी हॉल के अंदर वो करीना कपूर और अक्षय कुमार से डांस करते रहते हैं परफेक्ट यहीं पे हो गाइज परफेक्ट वो डांस करते रहते हैं। जिसमें अपने को जो आप ये पिलर देख रहे हो ये डबल पिलर है वो आप मैच कर सकते हो, और उसके अलावा जो पिलर के ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है ना वो आप परफेक्ट वो मैच कर सकते हो, आज भी डिज़ाइन वैसी की वैसी है। और उसके अलावा एक सीन के अंदर यहाँ पे वो करीना कपूर मैम डांस करती रहती है जिसके अंदर वो अपने वो 3 पीछे आपको पिलर दिख रहे हैं वो अपने को परफेक्ट देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा जो डिज़ाइन बनी हुई है ना वो आप मैच कर सकते हो, और ये अपने को रेलिंग भी दिखाई देती है वो भी आप मैच कर सकते हो। तो गाइस गाने का एक सीन बेसिकली यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें परफेक्ट आप नज़ारा मैच कर सकते हो। उसके बाद हो गए इस गाने के कुछ सीन हो जो आप ये गुंबज देख रहे हो ना इस गुंबज के अंदर से दिखाए जाते हैं। यहाँ पे ये इस गुंबज के पास में ये बना हुआ है यहाँ पे बालकनी टाइप में चलने के लिए। तो यहाँ पे ना गाइस करीना कपूर आगे आगे चलती रहती है और अक्षय कुमार उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं और उनका वो सॉन्ग चलता है यहाँ पे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। तो गाइस आगे बढ़ते रहते हैं करीना कपूर आगे आगे और पीछे अक्षय कुमार, तो परफेक्ट अपने को यही गुंबज देखने को मिलती है जिसमें आप इसकी रेलिंग मैच कर सकते हो, नीचे का भी अपने को पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिलता है। तो गाइस एक सीन हो यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें परफेक्ट आप नज़ारा मैच कर सकते हो। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप कि गाइस जो है आज का हमारा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस मेहनत के लिए एक लाइक, और चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाघी।